कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा अलग है, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। गाइस आप सबको पता है कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत ढेर सारे नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जो मेरे एक्सपीरियंस से सिखाता हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्यों ना उनके भी एक्सपीरियंस से आपको कुछ नॉलेज शेयर करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि आपके साथ कुछ पॉडकास्ट शेयर करता हूं, कुछ इंटरव्यू शेयर करता हूं, जिससे कि आप मेरे नॉलेज से एज वेल एज मेरे जैसे कुछ और लोग जिन्होंने कुछ स्ट्रगल किया हुआ लाइफ में, कुछ बड़ा कर रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ आपकी मीटिंग करवाता हूं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपके तरफ से मैं पूछूं और वो लोग आंसर करेंगे। तो इस तरीके की चीजें हमने प्लान किया हुआ है यूनिसिविल पे। आप सब को इस फैमिली में डेफिनेटली काफी दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे बस इतनी सी नीड है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि ये कैसी पहल है, आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। साथ ही साथ कोई पॉडकास्ट में जुड़ना चाहता है, किसी को लगता है कि यार मेरे पास अच्छा नॉलेज है सर, अगर मैं आपके साथ आता हूं कई स्टूडेंट्स मेरे वजह से काफी प्रभावित होंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, तो नीचे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, जस्ट अपना नाम और मोबाइल नंबर और आप बता सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ शॉर्ट में। तो जैसे आप करते हैं हमारी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेगी, नेक्स्ट पॉडकास्ट हो सकता है हम आपके साथ प्लान कर ले। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही आप सबने उनको बहुत प्यार किया हुआ है, सिविल सॉल्यूशंस YouTube चैनल से हैं, ठीक है, काफी अच्छे उनके सब्सक्राइबर हैं, काफी अच्छा उनका भी नॉलेज है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको लेके आऊं और उनके साथ आपका नॉलेज शेयर करूं। ये हमारे एक दोस्त हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉडकास्ट है ये, तो इतना ज्यादा इसमें कमेंट, इतना ज्यादा उत्साहवर्धन कर देना कि मतलब लगे कि नहीं यार आपने जो मेरे मेहनत किया, हफ्ते भर प्लान किया, उसका कुछ अच्छा रिजल्ट दिया। चलिए थैंक यू सो मच, स्टार्ट करते हैं, फिर कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही नेक्स्ट गेस्ट भी आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट किसको लेके आए, तो डेफिनेटली हम हमारी टीम उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगी, उनको भी हम एज गेस्ट लेके आएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, स्टार्ट करते हैं। गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों, आज आप सबके बीच में कुछ नया लेके आया हूँ। और नया यह है कि हम लोग अपने इस चैनल पर पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ना केवल इस चैनल पर, इसके साथ ही साथ हम लोग और प्लेटफॉर्म्स पे भी पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर आपके साथ कुछ नए नए गेस्ट लेके आएंगे, जिसमें से सबसे पहले जो मेरे फेवरेट है और उनको मैं लेके आया हूँ यहाँ पर, अमित सर है, और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद से ही देंगे। तो अमित सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, मेरा भी सौभाग्य सर आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे मौका मिला। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए, अपने YouTube चैनल के बारे में बताइए प्लीज। तो सर मैं बेसिकली हरियाणा के एक छोटे शहर भिवानी से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशन से मैं एक सिविल इंजीनियर कम टीचर आप कह सकते हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 2-3 साल जो है साइट पे जॉब किया था, बाद में कुछ फैमिली रीजंस ऐसे हो गए थे कि मुझको जॉब क्विट करना पड़ा, फिर मेरे को इस एजुकेशन लाइन में आना पड़ा। YouTube मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, क्योंकि टीचिंग मेरी हॉबी भी थी, पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता था, और मैं ये नहीं चाहता था कि जो मेरे को फेस करना पड़े, जो हमारे जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर जो साइट पे जाते हैं उनको भी फेस करना पड़े, ये सोच के मैंने YouTube स्टार्ट किया था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपकी जो लगती है, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो जिन टॉपिक्स को, देखता हूँ बड़े ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आपका जो क्लैरिटी है, वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जो कि कुछ फ्रेशर्स लोग सोचते होंगे, कुछ एक्सपीरियंस भी है जिनके माइंड में आता होगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, ठीक है, डेफिनेटली उसमें मैं कोशिश करूंगा कि अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। तो चलिए, तो पहला मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन यही आ रहा है कि बहुत से लोग अभी आज के टाइम में भी, ठीक है, कोविड के बाद भी अभी ऐसा लोगों के माइंड सेट में है कि सर मैं ऑफलाइन के लिए जाऊँ या फिर ऑनलाइन के लिए जाऊँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, एंड क्यों ऐसा होगा? देखिए सर, प्लेटफॉर्म दोनों ही अच्छे हैं, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन सिचुएशन अब कुछ ऐसी आई कोविड की, जिसमें हमारा ऑनलाइन भी एक कंपलसरी पार्ट हो गया हमारा एक एजुकेशन सिस्टम का भी, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, इसी तरह से हमारे ऑनलाइन के कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं। वैसे ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी जो नॉलेज है वो वर्ल्ड वाइड हम शेयर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं रहते, हम पूरा वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हैं, और स्टूडेंट को भी एक फैसिलिट हो जाता है कि वो कहीं पर भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो उसकी लर्निंग ना रुके और इजिली वो आराम से अपने हिसाब से उसको कंज्यूम कर सके डाटा। करेक्ट है, बहुत सही है आपने बोला, मेरा भी पॉइंट अभी यही है। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ऑनलाइन में एक बेटर चीज़ ये है कि आप
अपना बेस्ट, जो आपको लगते हैं कि ये बेस्ट है, ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं आपको। जी जी ठीक है, बिल्कुल जैसे कि आप कुछ भी जा रहे हो कहीं पे, तो आप ढेर सारे लोगों को, ढेर सारे एक्सपर्ट्स को सुन लो, उनको चूज करने में बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल दे आर राइट ना। और अगर आप ऑफलाइन हो तो डेफिनेटली आपके आसपास में दो तीन ऑप्शन ही हो सकते हैं, और उन्हीं दो तीन में आपको चूज करना है। उसमें भी आप सोचोगे कौन सा सबसे पास हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल आपके सर। पास ट्रेवलिंग का ऑप्शन नहीं हो तो फिर उस तरीके की भी चीज़ें सोचते हो कि यार ये वाला पास पड़ता है यहीं कर लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है, राइट। अभी मैं देख रहा हूँ कई ढेर सारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो जॉबलेस हैं, ठीक है। बहुत से लोग आपको भी मेल करते होंगे, डेफिनेटली मुझे भी मेल करते हैं, आपका भी चैनल बिल्कुल काफ़ी सक्सेसफुल है और हमारे भी पास भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है उनके जॉबलेस होने का, और कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस परसेंटेज को, या फिर ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जॉबलेस का सर सबसे बड़ा रीज़न तो हम कह सकते हैं स्किल का जो एक अभाव है स्टूडेंट्स में, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। क्योंकि जो कंपनी को स्किल चाहिए वो एक्चुअली इंजीनियर्स के पास स्किल है ही नहीं, तो कोई कंपनी किसी इंजीनियर को क्यों हायर करती है, वो उससे कुछ एक्सपेक्ट करती है, उसको सैलरी देती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी कंपनी का प्रॉफिट चाहेगी उस इंजीनियर से। जब उसके पास स्किल ही नहीं होगी तो वो उस कंपनी उस इंजीनियर को क्यों रखेगी। करेक्ट, तो सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे को यही लगता है कि स्किल का जो है सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स ही पढ़ ले रहे हैं हम लोग, और जी जी हम लोग स्किल्स पे नहीं जा रहे हैं, ये बात सही बोला। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा, अगर जैसे कि कुछ लोग अपने व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टीच कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप खुद टीचर हो, ठीक है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली उनको और क्या करना चाहिए जिससे कि अपनी कम्युनिटी के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी, उसके लिए थोड़ा और अच्छा हो सके, जो टीचर्स हैं? टीचर्स को मैं कहना चाहता हूँ सर कि प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दें थ्योरेटिकल की बजाय। जो भी वर्कशॉप हमारी लैब्स होती हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंजीनियर्स को करवाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए प्रैक्टिकली जितना हो सके। और इसमें मैं एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, खास करके हमारा जो टेक्निकल सिलेबस होते हैं, ये टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब जिस टाइम अपना डिप्लोमा किया था उस टाइम जो मैंने पढ़ा था और जब मैं साइट पे जॉब करने के लिए गया तो जो मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल उसके अपोजिट था। साइट पे एग्जीक्यूट जो रहा है वो मतलब मुश्किल से 10% ही मेरे को यूज़ आ रहा था, लेकिन उससे कई एडवांस टेक्नोलॉजी साइट पे ऑलरेडी आ चुकी थी उस टाइम। तो सबसे बड़ा मेरे को ये लगता है कि भाई जो हमारा जो सिलेबस है टेक्निकल का वो टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको अपडेट करता रहना चाहिए। ये मुझे भी लगता है कि मतलब कुछ नया होता रहना चाहिए, अदरवाइज कैसे कि जो अपडेट आ ही नहीं रहा वही हम पढ़े पढ़े पुरानी एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं, तो पुराना सिलेबस का एस्टिमेशन पढ़े बैठ रहे हैं। अभी जो मार्केट में नया है उसके हिसाब से हमें अपडेट होना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे कैसे होते हैं कि जैसे कि आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि हम लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जॉब के साथ कुछ ऐसे भी लोग निकल के आने चाहिए, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि थोड़े बहुत बिजनेस की तरफ ही रोटेट हो, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही खुद का काम स्टार्ट, इसको आप कैसे देखते हो? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी, बिजनेस की तरफ भी जाना चाहिए इंजीनियर्स को। लेकिन बात वहीं आ जाती है, बिजनेस आप तभी कर सकते हो जब उस चीज़ के एक्सपर्ट हो। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैं सजेशन यही रहेगा कि आप पहले कुछ साल आप जॉब कीजिए किसी कंपनी में, वहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस आप गेन कीजिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज तो बिजनेस में फिर वही बात है, फेल हो जाना जब तक आप सही बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिविल में और क्या नया हो सकता है, मतलब जैसे मैं बहुत सोचता रहता हूँ, कई चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ कि यार कुछ इस तरीके की चीज़ें हों, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आए, तो आपको क्या लगता है कि अभी लेटेस्ट में ये आ जाए तो थोड़ा बेहतर होगा, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स कुछ नया करने लगे इस तरीके की चीज़ें, ऐसा कुछ आपको लगता है सिविल में कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, जैसे जैसे AI का सिस्टम आजकल बढ़ता जा रहा है, जैसे आपने देखा भी होगा, हालांकि कुछ दिन पहले मैंने देखा भी था वेबसाइट पे, हमारे सिविल में भी 3D होम प्रिंटर की एक टेक्नोलॉजी आई है, 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स, हाँ आज हाँ जी वेबिनार में मैं डिस्कस कर रहा था उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए और इंजीनियर्स को भी रिसर्च करना चाहिए इस पे, नई नई टेक्नोलॉजीज जो फॉरेन कंट्री में यूज हो रही हैं या फिर हम क्या इसमें नया कर सकते हैं, उस पे काम होना चाहिए। करेक्ट, बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं छोटी कंपनियों में अप्लाई करूं या बड़ी कंपनियों में अप्लाई करूं, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग माइंड में सोचते हैं ना, मेरे को मतलब रेगुलर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर मैं किस लेवल की कंपनी में मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होता है एज अ फ्रेशर, अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? मेरा सजेशन यही रहेगा सर, छोटी कंपनी से स्टार्ट करना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें उसे सीखने की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू हम बड़ी कंपनी में जाते हैं। तो करेक्ट है, तो
छोटी कंपनी से आप स्टार्ट कीजिए, बाद में धीरे धीरे आप बड़ी की तरफ स्विच करिए। बड़ी कंपनियों में धीरे धीरे अपने आप स्विच होते रहते हैं। बिल्कुल, सीखने की काफी अपॉर्चुनिटी होती है सर, छोटी कंपनी में काफी कुछ सीखने को मिलता है। करेक्ट है, और बड़ी कंपनियों में पैकेज तो मिल जाता है, डेफिनेटली पैकेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा इसमें एक पर्सपेक्टिव ऐसा रहता है कि अगर आप चाह रहे हो कि मुझे अभी बहुत ज्यादा लर्निंग लेना है तो गो फॉर ए स्मॉल स्केल कंपनी, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अभी नीड है बहुत ज्यादा पैसे की, तो कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करो और उसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कोशिश करो कि कम्पीट करके अच्छी कंपनी में लग जाओ। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल से याद आ रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल को आप किस रूप में देखते हो, कितना हेल्पफुल होता है सिविल इंजीनियर, क्योंकि आप भी इंटरव्यू दिए होंगे, बेशक मैंने भी काफी साल दिया है इंटरव्यू वगैरह, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है और उसके बारे में आपका क्या थॉट है इसके रिगार्डिंग? कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए सर एक इंजीनियर के अंदर, तो खास करके क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है अगर उसको आगे ग्रोथ करना है आगे, एज ए मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में उसको जॉब करना है या फिर फ्रीलांसिंग भी करते हो तो आप फॉरेन कंट्री में जो कम्युनिकेशन पे ही सारा डिपेंड होता है जो फ्रीलांसिंग वर्क होता है, तो अगर आपका फ्रीलांस जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है फ्रीलांसिंग वर्क घर बैठे भी अच्छा अर्न कर सकते हैं और कंपनीज में भी एमएनसीज में भी अच्छी जॉब पे वहाँ पे ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग आज के टाइम में कुछ लैग कर रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ जैसे कि आपने चीज मेंशन किया कि टेक्निकल स्किल की वजह से लैग कर रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर, एक तो कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों ने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन और टेक्निकल दो तो मेन चीज़ें जहाँ पर वो लैग कर रहे हैं। ठीक है, और क्या आपको लगता है कि किसकी वजह से अभी नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं? जैसे कि मैं अगर अपना पॉइंट ऐड करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेजेस में अभी उस अपग्रेड जो मार्केट में चल रहा है उस अपग्रेडेशन को वहाँ तक अप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब उस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अभी एग्जैक्टली और नीड है जिससे कि जहाँ वो लैग कर रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि जो फ्रेशर्स वो लैग कहाँ कर रहे हैं? लैग तो वही है सर, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपनियों में, लेकिन जो स्किल की रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनी को वो कॉलेज में प्रोवाइड नहीं की जा रही है। करेक्ट, जिसके कारण स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फिर वो। करेक्ट, थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, और आपका इसमें स्पेशलिस्ट भी देखा मैंने कि आप किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ाते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से एक्सप्रेस करें कि आपका चैनल जो है एग्जैक्टली उस पर डेडिकेटेड, मतलब कि मोटो क्या है उसका चैनल का, और आपने जब बनाया तो उसमें थॉट क्या लिया था, थोड़ा चैनल के बारे में बताइए अपने। तो सर चैनल मेरा सिविल सॉल्यूशन के नाम से है यूट्यूब पे, और 2017 में मैंने इसको स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब मैंने जो फेस की थी प्रॉब्लम साइट पे जाने के बाद, वो किसी फ्रेशर इंजीनियर अगर कोई और जाता है उसको फेस ना करनी पड़े। Correct. तो बेसिकली हमारे जो वीडियोस रहती हैं हमारे चैनल पे वो हमारी साइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन पे ही रहती हैं, जैसे हमारा BBS हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, रेट एनालिसिस हो गया, इन पे हमारी वीडियोस रहती हैं, तो इन पे बिल्कुल ईजी वे में ताकि स्टूडेंट समझ सके बिना किसी हैवी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए ना, बिल्कुल ईजी वे में मेरे को समझाने की कोशिश की उसमें, ताकि इंजीनियर्स अपना जो करियर है सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से बना सकें और उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने आपका चैनल का वो BBS वाला वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एग्जैक्टली, थैंक यू सर, तो उसके वजह से मैंने आपको बताया भी उसके बारे में। आपने मेरे चैनल को जब रीच किया तो किस वीडियो के माध्यम से रीच किया, थोड़ा बताइए उसके बारे में भी। जी सर, जी मैंने आपका वीडियो देखा था बीम पे, बीम का मैंने पहला वीडियो आपका देखा था, तो मेरे को भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब जो इजी टू अंडरस्टैंड है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो स्टूडेंट को, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, मेरे को कंटेंट बहुत पसंद आया सर आपका। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने आज तो वेबिनार भी किया, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी मोटो बस यही रहता है कि यार नई नई जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कैसे है कि IT में आप देखेंगे तो इतना ढेर सारे लोग हैं IT में कि वो डेली अपग्रेड कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया, और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत ढेर सारे हैं, लोग फटाफट उसको रीच आउट कर ले रहे हैं, लेकिन सिविल में गिन चुन के हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू टेक्नोलॉजी पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा आप भी शायद डिस्कस करेंगे, जो पुराना है तो डेफिनेटली तो डिस्कस हो रहा है। ठीक है, बट नहीं, जैसे आपने आज बहुत अच्छी चीज बोला 3D मॉकअप, ये पूरा डोमेन है, इसके डिटेल में अगर कोई जा रहा है तो मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा इसके बारे में, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी हम लोग काफ़ी नीड है नए नए अपग्रेड करने में, और डेफिनेटली उसके लिए आप क्या बोलेंगे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं, ठीक है, अब टेक्निकल स्किल्स सीखते समय क्या है कि उन्होंने कमांड सीख लिया, और कमांड सीखने के बाद जब उनको प्रोजेक्ट करने का टाइम आता है उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है,
बिल्कुल सर, ठीक है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है ना कि उन्होंने ऑटोकैड सीख लिया, बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये मेरा प्लॉट एरिया है और इसमें तुम प्लानिंग करो और जी जी प्लानिंग जी करके FSI के अकॉर्डिंग अच्छे से अप्रूवल ड्राइंग्स हमको क्रिएट करके दे दो, तो बड़ा जी मुश्किल जी हो जाता है। मुश्किल क्या बोलो कि लगभग 90% लोग लैग कर जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन में जो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट हैं ऑटोकैड वगैरह जो सीखने जाते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे बेसिक कमांड ही सिखाई जाती है उनको, टेबल बनाना सिखा दिया, चेयर बनानी सिखा दी, बस यही होता है। लेकिन एक्चुअली जो सबमिशन ड्राइंग्स होती है हमारी, वर्किंग ड्राइंग होती हैं, वो उनको अच्छे से पूरा लाइव प्रोजेक्ट करके नहीं दिखाया जाता, तो इस वजह से वो उसमें फिर लैग करते हैं, जो कि असली चीज़ को वो छोड़ जा रहे हैं। सिर्फ कमांड आपके काम नहीं आनी, उन कमांड को आपको यूज़ में लेना है एज ए आपका प्रोजेक्ट, सही बात प्रोजेक्ट बेस आपको किस तरह सीखना है वो लर्निंग, जैसे आप सिखाते हैं आपका कोर्सेज में पूरा प्रोजेक्ट बेस रहता है, एक एक पूरा लाइव प्रोजेक्ट लेते हो आप, फिर उस पर आप अपने उसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर मैं का तो यूज़ खुद का ही करना प्रोजेक्ट सिखाते हैं। लेता हूँ, मतलब इतने प्रोजेक्ट अपने हैं, उन्हीं को यूज जी किया, उन्हीं पर सिखाया। यही होना चाहिए सर, बिल्कुल तो यही होना चाहिए। और मैं तो ऑफलाइन वालों को, मैं मतलब किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अपोज नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट ऑफलाइन में भी जो लोग हैं उनको भी ये सजेशन दूंगा कि अगर आप टीचिंग करवा रहे हैं डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कुछ सर, लाइव प्रोजेक्ट्स आप भी ऐड करिए अपने उसमें, सो दैट कि आप बल्कि अपने टीम को भी ट्रेंड करिए। ठीक बिल्कुल है, अभी सर, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट दिल्ली के अंदर है, वो लोग मुझे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कराते हैं मुझसे, तो उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, उसके बाद डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ट्रेन द अदर्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनको भी पहले ट्रेनिंग दे दो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और ट्रेनिंग लिया क्योंकि सीखने में क्या बुराई है। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल अभी सर, मैं आपसे सीखने को, मैंने आपको खुद बताया ना, मैंने BBS आपके वीडियो से बड़ा अच्छे से मुझे मजा आया, और कॉन्सेप्ट आपने मेरी वीडियो से BIM सीखा, आई थिंक ये बिल्कुल सर, तो अपग्रेडेशन हुआ ना, अच्छा हुआ दोनों के लिए। सही बात है सर, ठीक है, तो और मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर हम लोग रीच आउट किए और बहुत ढेर सारा नया नया, कुछ नया आपसे निकला, कुछ नया मेरे से निकला, तो ग्रोथ तो अपने आप सिविल इंजीनियरिंग का धीरे धीरे होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अभी अब मेरे व्यूअर्स को क्या बोलोगे और एक मैसेज दो, उसके बाद हम लोग समापन करेंगे, छोटा ही पॉडकास्ट रखेंगे। डेफिनेटली अगर ये लोग चाहेंगे कि सर और भी ज़्यादा आप डिस्कशन करिए, तो हम लोग नेक्स्ट फिर से एक करेंगे, डेफिनेटली आपके तरफ से भी एक गुड न्यूज़ आने वाला है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे अपकमिंग जी टाइम जी में बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप क्या मैसेज दोगे हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियोस, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेरा आपके व्यूवर्स को यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहले पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि हमारे सिविल में भी काफ़ी सारी फील्ड्स निकलती हैं, निकलती तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आपको जब उसका आइडेंटिफाई आपको उसने डिटेक्ट कर लिया कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, तो उसमें आप अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, उसमें अपनी पूरी स्किल डेवलप कीजिए। स्किल डेवलप करने के बाद आप जॉब के लिए जाइए, आपका सिलेक्शन 101% है, उसको कोई नहीं रोक सकता, तो करेक्ट। स्किल अपनी अपग्रेड कीजिए, मेरा यही सजेशन आपको रहेगा, यही सजेशन आपको मैंने रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, एक्चुअली एग्जैक्टली सही बोला। मैं भी ऐसे लोग मुझे बोलते हैं ना, रिज्यूम डालते रहते हो व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, बहुत से आते होंगे कि सर मैं जॉब देख रहा हूँ, तो बहुत से स्किल्स उनके रिज्यूम में लिखे रहते हैं, एकदम लंबा सा चिट्ठा भरा रहता है। तो मैं उनको जब कभी कभी, तो एक दिन एक लोग का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर 13 सॉफ्टवेयर के नाम डाल रखे थे कि 13 सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं। तो मैं थोड़े से एक मिनट के लिए कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया, मैंने कहा यार इतना तो मुझे भी नहीं आता था उस समय, मुझे भी जी अप्रॉक्स 9-10 सॉफ्टवेयर आते थे उस समय पे। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने स्केचअप लिखा था, मैंने बोला व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ स्केचअप, उनको एग्जैक्टली फाइल फॉर्मेट ही नहीं पता है कि स्केचअप का फाइल फॉर्मेट क्या है, ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट क्या है। तो नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर काउंट करने से अच्छा है जितने सॉफ्टवेयर उनकी उनके ऊपर जी आप एग्जैक्टली प्रोजेक्ट सबमिट कर सको, यही होना चाहिए आई थिंक, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमित, और क्या बोलते हैं, डेफिनेटली हम सब अभी धीरे धीरे एक दूसरे से कोलैब करके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप भी जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको शेयर करते रहेंगे, जो मेरी एक्सपर्टीज है हम शेयर करते रहेंगे, जहाँ बिल्कुल हम सर, गलत बिल्कुल, रहेंगे आप करेक्ट करिए, जहाँ आप गलत वहाँ हम अरे करेक्ट करेंगे। सर ठीक है, बिल्कुल सर, तो होप आपको भी अच्छा लगा होगा आज पहली मीटिंग, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपके साथ पहली मीटिंग स्टार्ट किया, और आगे हमको भी भी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है, और और आगे भी हमारे सेशन कंटिन्यू हम करेंगे, बिल्कुल जिससे बिल्कुल हम भी कुछ सीख सकें और इंजीनियर्स को भी कुछ सिखा सकें। एग्जैक्टली और ये जी मुझे ना मेरे माइंड में आया कि भाई पॉडकास्ट एक अच्छा माध्यम हो सकता है हमारी कन्वर्सेशन का, क्योंकि आपका भी अपना लाइफ है, कॉलेज है, कॉलेज जाना है, उसके बाद अपना यूट्यूब है, और भी बहुत से घर के काम है, मेरे भी साथ जी ऐसी चीज़ें रहती हैं बहुत ढेर सारी। तो आई थिंक पॉडकास्ट एक अच्छा माध्यम जिससे हमारी कन्वर्सेशन भी हुई, प्लस हमारी इफेक्टिव कन्वर्सेशन से दूसरों को भी बेनिफिट हुआ, बिल्कुल सर,
चलिए, थैंक यू सो मच अमित, और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे, और साथ ही साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, और अगर उनकी पुकार होगी तो हम लोग फिर से एक बार कन्वर्सेशन करेंगे किसी एक इफेक्टिव टॉपिक पे भी ऑल्सो, ठीक है? ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य, सर, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो थैंक मच यू, अमित, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू।